मैं आवाज दे रहे हैं डॉक्टर जगबीर सिंह और जड़े बंदे बैठे ने इमानदारी नाल बैठे रहन, क्योंकि मैं चाहांगा कि साडी गल तुहाडे लई है ताकि तुहाडे तक पहुंच सके। डॉक्टर जगबीर सिंह जी दिल्ली। मान योग प्रधानगी मंडल, प्यारे दोस्तों, कुछ सुन के जो मैं चुप हूँ, तुम कहते हो बोलो, अब समझो तो ये थोड़ा है कि मैं कुछ नहीं कहता। मेरी ये हालत हो गई है, जिस तरह सेमिनार दे विच होंदा कि जिहड़ा की नोट एड्रेस है ना वो पहला होंदा है, साडे नाल धक्का कर गए ने। पहला गल किसी होर प्रसंग बंदे ने संकल्पी होंदी है, तो जदों सुखदेव सिंह सरसा वर्गा महाविद्वान सारे पक्षों बारे बोल गया, मैनूं लग्या फिर मेरी की लोड़ है। मौन भी एक अभी व्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। उस तो बाद फिर खूबसूरत गल्लां हुईयां ने, बहुत सारियां और सारियां गल्लां हो चुकियां ने। विद्वान दोस्त मेरे, वो विद्वान दोस्त जिहड़े खब्बे पक्षी विचारधारा दिन नूं समर्पित ने, दलित लहर दे नाल भी जुड़े हुए ने, उन्होंने भगत बाणी नूं ते गुरु ग्रंथ साहिब की रचना नूं जिस तरीके नाल सोशियो पोलिटिकल डिस्कोर्स के रूप में समझण ते समझाउण दा यतन किया, बहुत खूबसूरत लग्या मैनूं। पर मेरा सरोकार थोड़ा जिहा बदल गया। मार्क्सिज्म तो मैं शुरू की सी गल, हुण मैं गल कर रहा सी अपने दोस्तों नूं कि 1958 दे विच 21 साल दा सां ते मैं फंडामेंटल्स ऑफ मार्क्सिज्म लेनिनिज्म किताब पढ़ी भी, ते उस बंदे नू भी पढ़ाई जिहड़ा बाद च मार्क्सिस्ट पंजाब दे बहुत महान मार्क्सिस्ट लीडर दे तौर ते इमर्ज होया, मेरी मुराद डॉक्टर रविंदर सिंह रवि। मैं स्कूल टीचर सी, वह कॉलेज पढ़ा सी, नवा नवा मुंडा, असीं कहा भी यार कोई ज्ञान की गल करिए, अज ज्ञान दीआं गल्लां होर तरह होर पासे जा रही ने। उस दौर दे विच साडा धर्म के प्रति नैगेटिव रवैया सी, सानू लग्या वे मार्क्स बाबे ने तो कहा भी धर्म ते अफीम है, ये बंदे की चेतना नू सुआ दिंदी है, संघर्ष करन तो वरजदी है, तो की लोड़ है, रब रुब कुछ नहीं हुंदा, धर्म सारा अफीम है। इतों गल मैं शुरू की अपनी लाइफ के विच, कमाल की गल हुई कुछ समय बाद डॉक्टर रवि पटियाले जाके PhD करन लग गया, उहदा वी उहने विशा चुनिया पंजाबी राम काव्य। मैं उहनूं आ के मिलिया, मैं कहा ये किहड़े पुठे पासे पै गया, आपां तां इनकलाब लिआउणा है ते तूं राम काव्य दे मगर पै गया। वह कहता भाऊ थोड़ा जा थोड़ा सुन मेरी गल, तू भी ना PhD कर। मैं यार कमाल है, कहता मैं कहते करा, कह तू कर गुरु ग्रंथ साहिब नैतिकता। अजीब गल हुई मेरे वास्ते और मैं कहना चंगी हुई। मैं सोचा भी चलो हूँ इनकलाब तो हूँ पता नहीं आता कि नहीं आता, चलो PhD कर लेंगे, असी तो पूरे कवर कसे करी बैठे सी। उहदे बाद होया कि गुरु नानक बाणी उदों कंप्लीट किताब च नहीं मिलती होंगी सी, ते साडे घर च गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश सीगा, मैं तो रब नूं मानता नहीं सी, मेरे पिता जी मानते सन, ते मैं कि किता कापी कलम लैके ना उहदे गुरु नानक बाणी सारी इकत्र कीती। जदों इकत्र कीती रतन सिंह जग्गी की किताब छप गई गुरु नानक बाणी, मैं कहा इह भी मेरा बेड़ा गर्क कर दिता। अच्छा हुण होया कि जदों मैं गुरु नानक बाणी नूं पढ़िया, विचारिया, देखिया, समझिया, मैनूं लग्या कि जिहड़ियां धारणावां धर्म दे बारे मार्क्स ने कहीआं कि नहीं कहीआं, किसी होर प्रसंग विच कहीआं, बाद च मैनूं इह भी समझ आई, मैं कहा भी इह घट्टो घट गुरबाणी दे उपर लागू नहीं हुंदीआं। इत्थों मैं फिर जिहड़ा नवां सफर है, अज तों 50-55 साल पहलां गुरबाणी के अध्ययन नाल मैं जुड़िया रहा, तो और मैनू मार्क्सिज्म पढ़न का फायदा बहुत होया कि मैं जिहड़ी व्याख्या करी गुरबाणी की कीती वह ग्रंथियां वाली नहीं सी, कोई नहीं सकती सी, वंस ए मार्क्सिस्ट इज़ आलवेज ए मार्क्सिस्ट,
क्योंकि मार्क्सिज्म तां इक मैथडोलॉजी है, एक तर्क ते विवेक दे बुद्ध विवेक दे नाल गल करन दा एक अंदाज है। इस गल दे विचों मैं सारी गल मैं तां कर रहा हां कि अज बदकिस्मती नूं असी जिहड़ा भारतीय ज्ञान जी दी डॉक्टर सिकंदर सिंह होरां ने बड़े खूबसूरत विचार पेश किए ने, बहुतियां नाल मैं सहमत नहीं हाँ। वो इस करके सहमत नहीं हाँ कि बस्तीवादी दौर दे विच जदों अंग्रेज़ आउंदे ने उन्होंने देखा कि इत्थे बहु गिणती हिंदुओं की है, हिंदुओं के कोल ज्ञान का एक बहुत वड्डा भंडार है, उन्हों रिजैक्ट करो क्रिश्चैनिटी नूं लैके, और उस जिहड़ा मैकाले की जिहड़ी एजुकेशन पॉलिसी है उन्हों लैके उन्होंने सानूं पुठे राह पा दिता है। सानूं कहा भी तुहाडा जिहड़ा ज्ञान है इहदा वहम भरम है, मैटाफिजिक्स है, इहदा कोई मुल नहीं। और फिर उन्होंने असी अपनी समाजिक व्यवस्था तो भी एक बालण दे दिता, साडे कोल जाति प्रथा कर्मकांड वर्गियां बीमारियां सन हाले तक नहीं निकलियां, जिहड़े रोकण की कोशिश करदे उन्हां विचों भी नहीं निकलियां। लेकिन इन्हां बीमारियां के बावजूद उस हिंदू धर्म बेचारे कोल कोई ज्ञान भी तो है, उस ज्ञान नूं असी उस दी टर्मीनोलॉजी च नहीं समझांगे जे असी उन्हों जिहड़ा पूर्ववाद दे नुक्ते तो देखांगे, वैस्टर्न आई तो देखांगे, क्रिश्चियनिटी दी थियोलॉजी तो देखांगे, वी विल मिस द पॉइंट। क्योंकि अज दुनिया भर दे विच दो सिविलाइजेशन ने, एक है साडी भारतीय सभ्यता जिहदे बारे असी गल करन नूं संगदे हां, सानूं लगता भी यार बीमारियां जिहड़ियां ने इहदे च पईआं होईआं ने, असी तां नाते ही तोड़ दिए परां करिए। मैनूं उह किसी पिंड विच ना कोई बांदर दे पेश सारा पिंड डांगले फिरदा सी, मैनूं उह कहानी याद आउंदी है। तो एक बंदा खड़ा हो गया, कहिंदा यार की गल है इहदे पिछे, इहदे नाल कौन है? कहिंदे नाल कोई नहीं। पहलां हज़ार साल तक इस्लाम ने हिंदूइज़म नूं मार्जिनलाइज किया, क्रिश्चियनिटी ने किया, हुण असीं वी कर रहे हां, कारण साढ़े वक्रे ने। मैनूं लगता कि सानूं इह सोचण दी लोड़ है जिहड़ियां साडी सभ्यता दे विच, जिहड़ियां साडियां धर्म परंपरावां दे विच बीमारियां ने, मानव विरोधी विचार ने, खंडन करन योग ने। सारा विरसा कोई उत्तम नहीं हुंदा ते सारा विरसा कोई खराब भी नहीं हुंदा, मुलांकण करन दी लोड़ है। वह मुलांकण जे असी एक पक्षपाती नुक्ते तो करांगे तो कदे भी असी उस ज्ञान की विरासत दे उपर माण नहीं कर सकांगे। हुण सानू माण तो भुलाया जा रहा है, सानू लगता है कि जिहड़ा क्लासिकल दौर है वह तो फजूल है। भारत का जिहड़ा, मैं बिल्कुल खरियां गल्लां कह रहा डॉक्टर साहब, पहला जिहड़ा नूरुल हसन एजुकेशन मिनिस्टर, उन्हें फैसला किया कि भारत के इतिहास का जिहड़ा क्लासिकल दौर है ये फजूल है, बच्चों नूं मध्यकाल के इतिहास तो पढ़ाओ, क्योंकि मध्यकाल का इतिहास मुस्लिम दौर का इतिहास है। इस स्ट्रैटेजी नूं भी विचारन की लोड़ है। तो हुण मैं ये कहना कि मध्यकाली जिहड़ा प्रवचन गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में एक ज्ञान पाठ है, इस तो पहला साड़ी धरती के उपर जिहड़ा महाज्ञान पाठ उसी ऋग्वेद, ऋग्वेद नूं डिसपैशनेटली पढ़न की लोड़ है। वह तो गुज्जा डिसकोर्स है, तुहानूं पता भी साड़ी परंपरा के विच व्याख्या शास्त्र जिहड़ा डिवेलप होया है वेदां तो बाद, छे वेदांग ने उन्हां नूं समझण दे वास्ते, वह सधारण रूप में समझ नहीं आते, उहदे वास्ते शिक्षा है, निरुक्त है, व्याकरण है, कल्प है, ज्योतिष है। तो वह मतलब है कि एक वो प्रवचन जिहड़ा ऋषियों ने मैडिटेशन चों सानूं दिता है, और उस सारा की है कि बंदे ते ब्रह्मंड की यह रूप रचना दे विच जिहड़ा विराट अनुभव है उन्हूं पेश करदा। उस गल की मिसाल मैं तुहानूं नस दी सूक दे अपने किए हुए पंजाबी ट्रांसलेशन नूं पढ़ के तुहाडे नाल शेयर करना चाहुंदा कि आखिर यह ऋग्वेद है की है, किहड़े मसले नाल वह साडा पंजाबी इस धरती का ऋषि जिहड़ा किवें पेश करदा। थोड़ी जिहियां गल्लां मैं उस दी पंजाबी अनुवाद के रूप में तुहाडे नाल शेयर करना चाहुंदा।
अज तो तकरीबन 5000 साल पहला इस धरती उत्ते रचे गए ज्ञान ग्रंथ ऋग्वेद विचले नासदीय सूक्त का पंजाबी अनुवाद है। असत नहीं सी तदों पंजाबी लफ्ज ने उस ना सदा सी नो सदा सी तदा नी नसीद रजो नो व्योमा परो यत। ये मतलब है कि इतों पंजाबी पुरानी पंजाबी का जो सा बंदा है वह ज्ञान प्रवचन बना रहा है। असत नहीं सी तदों ना ही सत सी अंबर नहीं सी तदों ना ही इस दे पार फैलिया महा आकाश कज्या की सी ते कित्थे किसने थम्मिया सी इस नू तदों ता अगम अगाध जल भी कित्थे सी मौत नहीं सी तदों ना ही अमर जीवन दिन ते रात नू वख करन वाला संकेत नहीं सी कोई स्वास विहूणा अपने आप ते निर्भर केवल एक सी तदों उस तो सिवा कोई दूसरा नहीं सी हनेरा सी तदों हनेरे नाल कज्या है सी त बस निराकार सुन तपश दी महा ऊर्जा तो उपजिया पुंज फिर पहलों पहल कामना दा होया उभार मन दा आदि जुगादी बीज। ये दार्शनिक चिंतन है 5000 साल पहला साढ़े देश की धरती के उपर रचा गया यह प्रवचन है। अंतर दी सूझ वाले मुनि जना जान लिया सी भली भांत रिश्ता की है होंद दा अणहोंद नाल फैला दिता उन्हां अपने सूत्र नूं शून दे आर पार उपर वार ते हेठां भी धारणी महाशक्तियां तत्पर सन उत्थे हेठां सी सत्या उपर असीम ऊर्जा जानदा है कौन। ये तो असी क्रिएशन का सारा प्रबंध कि एक तो किवें क्रिएशन पैदा होंदी है। अगली गल कि जानदा है कौन ते आख सकदा है कौन कित्थों निम्मिया ते कित्थों उपजिया ये संसार। देवते तो सृष्टि तो मगरों होए विद्वान देवते नहीं सी उदों ता फिर कौन जानदा है कदों रची गई है रचना कौन है सृष्टि का करता करता जा अकरता कौन है अंतरयामी उच्चे अंबरां वाली इस धरत का उही जानदा है जो है इसका सिरजनहार ते जा फिर वो भी नहीं जानदा। हुण तुसीं गुरु नानक देव जी की रचना अरबद नरबद तुंदू कारा तरण न गगना हुकम पारा ना दिन रहन न चंद न सूरज सुन समाध लगाएगा। ये है मध्यकाली रीकंटैक्चुअलाइजेशन ऑफ द क्लासिकल टैक्सट। हर पीढ़ी अपने विरसे के ज्ञान पाठा रीकंटैक्चुअलाइज करती है। जे नहीं करती उन्होंने कुछ प्राप्त नहीं। जे असी कही मैं उन्होंने बंद नहीं सहमत जड़े कहते हैं बैक टू वेदास भी असी वेदा वाल वापस क्यों जाइए वेदा अपने समय से लियाइए उन्होंने रीकंटैक्चुअलाइज करिए जो ज्ञान दियाँ दृष्टियां ने उन्होंने अपनी जिंदगी दे चानण मुरारा के तौर पर वरतीए कोई अंधविश्वास के तौर पर नहीं। तो जिथे साडे पुरखियां ने भी गलतियां कीतियां ने जे उन्होंने अंदर कोई बीमारियां सन त्रुटियां सन उन्हों रद्द करन दा भी सानू अधिकार है। ये मैं समझदा कि साडा अपने विरसे के ज्ञान पाठां नाल पहला तो रिश्ता ही होना चाहिए कि जिस धरती ते असीं जम्मे हैं उस धरती के जिहड़े ऋषि ने उन्होंने साडी महादृष्टि का निर्माण किया। जदों भगत कबीर कहते हैं कि लोग जाने यो गीत है ये तो ब्रह्म विचार इंपॉर्टेंट गल है। इत्थे ब्रह्म जिहड़ा है वह साडी सिविलाइजेशन का प्राइम सिंबल है। जिवें अल्लाह खुदा याहवे ये प्राइम सिंबल ने अब्राहमिक सिविलाइजेशन के जिदे विच यूडाइजम क्रिश्चियनिटी ते इस्लाम आ जाते हैं। साढ़े जिहड़ी सिविलाइजेशन है उहदे विच सनातन धर्म जिहदा कोई मोढ़ी नहीं जिहड़ी धरती दे विचों उगी हुई परंपरा है जिहनूं असीं बड़ियां गालां कढ़दे हां ते दूसरी बुद्ध धर्म
फिर जैन धर्म, फिर सिख धर्म। ये साड़िया चार सिविलाइजेशनल धर्म परंपरावां ने। और साढ़े को धर्म है जिहड़ा रिलीजन नहीं है। धर्म की है? धारिये ते इति धर्मा। साड़ा बाबा की कहना है कि तौल धर्म दया का भूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। ये वो मॉरल ऑर्डर है जिहड़ा साडे ऋषिया ने कल्पना की सी। एक सत है, एक रित है, ते एक धर्म है। ये दो प्रिंसीपल्स ने। सारी सृष्टि दे विच एक विधान है, कॉस्मिक ऑर्डर है जिहड़ा रुत्तां दी तरह वर्तदा है। रित तो रुत्त बनी है, ते मनुखी जीवन दे विच ओही जिहड़ा रित है वह फिर नैतिक विधान बन जाता है। जिहड़ा मनुख दे दी रचना करदा है। हुण तुसीं आपां बड़ियां गल्लां करदे हां, देखो वेदां तो लैके उपनिषदां तक एक दौर है, उस तो बाद खराबियां पैदा होंदियां ने, सिमरतियां होंदियां ने। सूत्र ग्रंथ दर्शन शास्त्री ने। हुण तुसीं उपनिषदां की छोटी जी कहानी सुनो कि जिहड़ी साडी सिविलाइजेशन नूं अपना नाम दिंदी है, स्थान दिंदी है। हर सिविलाइजेशन ने एक मिथ ऑफ द ओरिजिन बनाई होती है। एडम की मिथ असं सारे जानते हैं कि जिहड़ी ओल्ड टेस्टामेंट विच भी है, उहदे विच भी जिहड़ा बंदा है वह अशरफुल मखलूकात है, वह सारी सृष्टि तो सर्व उत्तम है। साडी सभ्यता ने यह कल्पना नहीं दिती। साडे कोल हैगा कि जीव है, सारे जीव ने वो एक ने, वो ब्रह्म दे विच पार्टिसिपेट करते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरा। ये गल मैं थानू भगत नामदेव जी दीआं रचनावां तो मैं दसदा कि साडा जिहड़ा भगत श्रोमणी नामदेव है वह इस फलसफे नूं मध्यकाल दे बंदे नूं समझाउण दे लई कितनी खूबसूरत जुगत नाल पेश कर रहा है। एक अनेक व्यापक पूरक, ये हुण एक ही है जिहड़ा ऋग्वेद ने कहा सी कि वह एक अपने आप ते निर्भर, वह एक उदों सी जदों सारा कुछ नहीं सी, तां उदों भी एक हैगा सी। एक अनेक व्यापक पूरक जत देखो तत सोई, माया चित्र विचित्र विमोहित विरला बूझे कोई। माया नूं तुसीं ना मतलब लोकां दे और वैस्टर्न बंदियां दे आखे चाखे गलत इंटरप्रिटेशन दी सानूं लेण दी लोड़ नहीं। कॉन्टेक्स्ट विच मीनिंग हुंदा है। माया साडी दर्शन शास्त्र दी परंपरा विच दी वर्ड ऑफ अपीयरेंस है, जिहड़ी चीज़ दिसदी है पर है नहीं। ये साडा फलसफा है। ते भगत नामदेव जी सानू कहिंदे ने कि ये जिहड़ा दृष्टमान संसार है वह की है, माया चित्र विचित्र विमोहित। ये मन नू मोह लैंदा है, ये सानू आकर्षित करता है। कोई विरला बंदा ही इस रहस नू समझ सकता है, उही इस दे प्रभाव तो बच सकता है। सब गोविंद है, गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। हुण अगे जाके वो लोक न्याय दे रूप विच गल नू समझाउंदे ने। सूत एक मणि सत सहंस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई, जल तरंग अर फेन बुदबुदा, जल ते भिन्न न होई, एह परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन होई। अगली लाइन जिहड़ी है अज दे साइबर वर्ल्ड की जिहड़ी एक नवी किस्म की माया दे विचों असीं लंघ रहे हैं, उहदे चों भगत नामदेव जी ने निकलन का एक रस्ता दस्सिया, बड़ा खूबसूरत है। मैं हुण जिवें रीरीड किया वह है कि मिथ्या भरम अर सुपन मरोरथ। यह तीन चीज़ा मिथ्या ने जिहड़ियां अपीयरेंस की दुनिया ने, रियलिटी की नहीं है। रियलिटी हैगी आदि सच, जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, वह है ब्रह्म पार ब्रह्म। पार ब्रह्म तो हेठा जो सृष्टि रचना आती है तो माया उसकी हकीकत बन जाती है, वह वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस है। इस रूप में लीए फिर गल बनती है। मिथ्या भरम अर सुपन मनोरथ, सत पदार्थ जाने। साड़ी प्रॉब्लम यह है कि असं सुपने की वस्तु को सच मान लें, सच मन के उदे पिछे दौड़ते हैं और वो उस तो निकलन का रस्ता। सुकृत मनसा गुर उपदेसी, जागत ही मन माने।
यह है प्रॉब्लम। ये साढ़े भगत ये ठीक है कि सोशो पोलिटिकल लैवल पर इन्होंने साडे देश की जड़ी उस श्रमणिक ट्रैडिशन नाल अपना वास्ता कायम किया जिन्होंने सो कॉल्ड ब्राह्मणिज्म किंतु किया। हिंदू ट्रैडिशन च ब्राह्मणिज्म एक बीमारी के तौर पर है, वो दो लक्षण ने कि एक कर्मकांड है फजूल का जड़ा कि बिना अर्थों तो कर्म करी जाओ, असली कर्म की वह निखेधी नहीं करते, ना गुरु करते हैं तो ना साड़ी हिंदू ट्रैडिशन करती है। हिंदू ट्रैडिशन च कर्मण्यवाधिकार अस्ते जड़ा कर्म करना ना वह कर्मकांड तो वक्रा है, तो गुरु भी यही कहते हैं कर्म करत होवत नह कर्म। साड़ी ट्रैडिशन दे विच जो ज्ञान की एक बहुत खूबसूरत ते एनलाइटन करने वाली धारा है उहदे नाल साडा गुरु ग्रंथ साहब जुड़िया होया है, उस दियां उहना महादृष्टियां दे नाल वो संवाद भी रचाउंदा, उहदे विच सोध भी करदा ते उहनूं ग्रहण भी करदा। मैनूं लगदा कि बहुत सारी गल्लां विद्वानां ने उस लैवल तों कहीआं ने, मैनूं उहनां नूं दोहराउण दी लोड़ नहीं कि जिहड़े तीन भगत श्रोमणी ने भगत कबीर जी भगत नामदेव जी ते भगत रविदास जी, ये साढ़े तीन महा जिहड़े ने श्रोमणी भगत ने, और इन्हां दा जिहड़ा प्रवचन है वह सोशो पोलिटिकली बहुत ही सारगर्भित है, लेकिन उस प्रवचन नूं लै के जिहड़े उह भगत कबीर जी जिहड़ा जिस तरीके नाल जाति प्रथा का खंडन करते ने वह कोई झंडा नहीं चुकते, लेकिन उस जातिवाद के बुनियाद नू कटते हैं। वो कहते हैं कि गर्भवास में कुल नहीं जाती, गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंदु ते सब उत्पाती, सारी गल मुकाती कि ब्रह्म दे बिंदु तो सारी दुनिया पैदा हुई है। कौरे ब्राह्मण कौरे पंडित ब्राह्मण कब क्यों हुए, यानी ये एक तरीका हैगा एक अध्यात्मक तौर पर, अध्यात्मक लफ्ज़ नूं भी ना तुसीं नैगेटिवली नहीं इंटरप्रेट करना चाहिए, क्योंकि मैटीरियलिटी दे विच असीं घिरे हुए हैं, मैटीरियलिटी दे उपर बहुत ज़्यादा दबाव अज दे बंदे दी बीमारी बन गया है। साढ़े ऋषियां ने सानू एक संतुलित जीवन जाच दे लई चार पदार्थ दसे सन, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अज दी वैसटर्न सिविलाइजेशन ने की कीता, अर्थ ते काम नूं ब्रैकेट च बंद कर दिता, वो बाहर कढ दिंदे ने, धर्म भी बाहर कढता तो मोक्ष भी बाहर कढ दिता। मोक्ष की लोड़ कदों पैंदी है कि जदों बंदा जिंदगी नूं अल्टीमेट लैवल तो सोचदा ते विचारदा। गुरु नानक देव जी नूं सुनो, वो कहिंदे ने कि बंदा की है कि बंदा जिहड़ा ना देही माटी बोले पौण, बुझ रे ज्ञानी मूआ है कौन। वो मौत के छिण विच गल कहते हैं भी देही तो मिट्टी है, बोलण वाली हवा है, ये मर कौन गया। तो वह जवाब भी देंदे ने कि मूह ही सुरत बाद अहंकार, वो ना मूआ जो देखण हार, तो देखणार कौन उन्होंने कितने लैके जाते हैं जरा सुनना, फिलोसफी उहदे विच पई हुई है। वह कहते ने मैं ना मूआ मेरी मूह बुलाए, ओ ना मूआ जो रिहा समाए, कहो नानक गुर ब्रह्म दिखाया मरता जाता नजर ना आया। ये जीव ते ब्रह्म दी अभेदता दा बोध है, वो मिस्टिक एक्सपीरियंस है जिहड़ा बंदे नूं अपनी लघुता तो छोटेपन तो एक तरह का मुक्त कर दिंदा है। ते इस दार्शनिक अर्थां दे वल भी सानूं ध्यान देण दी लोड़ है, सिर्फ अपने पोलिटिकल और जिहड़े साढ़े क्लास स्ट्रगल दे विचारां नूं लै के करना, क्योंकि ज्ञान प्रवचन तां मल्टी डायमेंशनल हुंदा है, उहदियां अनेकां तरह दियां व्याख्यावां हो सकदियां ते मल्टी डिसिपलिनरी एफर्ट लोड़ींदे ने। पर मैं समझदा कि जिस खेत्र दे विच कोई प्रवचन रचिया गया वह तो फिलोसफी का खेत्र है, वो धर्म का खेत्र है, रिलीजन का नहीं मैं कह रहा, धर्म का कि नैतिकता का खेत्र है, उसनों उस तो बाहर कढ़ के बहुता दूर ले जाने की लोड़ नहीं, फिर असी वी विल मिस द पॉइंट। इन गल्लां मैं कहने से बहुत बहुत धन्यवाद।
ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ